Good morning students, you know our preceding chapter is the classification of the elements. तो बेटा अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि what is the need for the classification of the elements and first classification is taken by the Dovernier triads. तो आपने lithium के triad को पढ़ा, chlorine के triad को पढ़ा और sulfur के triads को पढ़ा. Now a very important question is arise that why was the Dovernier triad discarded? Means Dovernier triad को discard क्यों किया गया? तो बेटा आपने इसका आंसर देना है कि जो Dovernier triad था सिर्फ lithium triad ही possible हो सका, chlorine triad ही possible हो सका और sulfur triad ही possible हो सका. Means Dovernier का जो classification था सिर्फ इन 9 elements को ही recover कर पाया. किसी भी अदर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, किसी भी अदर एलिमेंट्स का जस्टिफिकेशन इस ट्राइड के द्वारा पॉसिबल नहीं हो सका. तो बेटा आपने इन चारों पांचों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट करना है. नाउ आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज टेकन बाय द फेमस साइंटिस्ट दैट इज द न्यूलैंड लो फोकटेव. तो बेटा थोड़ा सा आपने पढ़ना है कि न्यूलैंड इज अ इंग्लिश केमिस्ट, कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे. तो न्यूलैंड ने 1886 के अंदर इस क्लासिफिकेशन को दिया. तो बेटा अब पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन. मींस न्यूलैंड क्लासिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? तो बेटा ध्यान रखना है कि न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स, न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर. आप देख रहे हो कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को जब क्लासिफाई किया तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया. आप देख रहे हो कि लिथियम का मास नंबर कम है, बेरिलियम का उससे ज़्यादा है, बोरोन का उससे ज़्यादा है. मींस एलिमेंट्स को वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर के अकॉर्डिंग वो अरेंज कर रहा है. तो उन्होंने बोला कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे तो आफ्टर आ सेवन एलिमेंट्स, मींस प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज वेरी सिमिलर विद द एट्थ एलिमेंट्स, कि हर एक फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने एट्थ एलिमेंट के साथ बिल्कुल बहुत हद तक मैच किया करेंगे. तो बेटा आप पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेल एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टी ऑफ द एवरी एट्थ एलिमेंट्स आर सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट्स. मींस फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने एट्थ एलिमेंट के साथ बिल्कुल डिटो मैच किया करेंगी. तो उसके बाद न्यूलैंड ने क्या किया, इस कंसेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए न्यूलैंड ने इस क्लासिफिकेशन को म्यूजिकल सिस्टम के साथ भी कंपेयर किया. जैसा कि आप म्यूजिक के अंदर पढ़ते हो सारे गामा पा धा नी सा, आप देखते हो बेटा इसके अंदर सात सुर होते हैं, जो उसमें पहला सुर सा रे गा मा पा धा नी, ये सात सुर हैं. इसके बाद सात के बाद जब एट्थ द्वारा रिपीटेशन आता है तो द्वारा बेटा सार बीट होना शुरू हो जाता है. इसके बाद फिर आप पढ़ोगे रे, फिर पढ़ोगे बेटा जी रे, तो आप देखोगे बेटा कि सात के बाद आठवां सुर बिल्कुल सेम आ जाता है. अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, कि आप देख रहे हो रे फिर दोबारा रिपीट हो रहा है. तो न्यूलैंड भी बोलता है कि जिस हिसाब से किसी म्यूजिकल सिस्टम के अंदर सात सुर के बाद दोबारा वही सुर दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है, उसी हिसाब से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल उसी तरीके से मैच करती हैं, कि फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी विल बी मैच्ड विद द एट्थ एलिमेंट्स. तो बेटा बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन था, बहुत इजी जस्टिफिकेशन था जो कि न्यूलैंड ने क्लियर किया. बट इस लॉ की भी बहुत सारी एक मेजर लिमिटेशन रही. अब हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ द ऑक्टेव. तो बेटा फर्स्ट लिमिटेशन थी कि न्यूलैंड लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम एलिमेंट्स, कि न्यूलैंड्स का लॉ था जो आपका बेटा वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया. सेकेंड लिमिटेशन आप पढ़ोगे बेटा कि जो ये वाला क्लासिफिकेशन था सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही पॉसिबल था. मींस जिन एलिमेंट्स का मास नंबर कम होता है उसी के लिए ये वाला लॉ एप्लीकेबल हो पाया. इसके बाद थर्ड जो लिमिटेशन थी,
न्यूलैंड्स ने बेटा बोला कि केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे, एंड इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर 56 से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट्स आपको केमिस्ट्री के अंदर नहीं मिलने वाला। बट आप सभी को बहुत अच्छे से पता है बेटा, आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। मीन्स ये वाला पॉइंट भी न्यूलैंड्स का एक मेजर लिमिटेशन के अंदर डिस्कशन किया गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।